क्या आपको आपके बुरखे टाइट हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप उसे कैसे रियूज़ करें ताकि वो आपकी बॉडी पे टाइट ना लगे? सो हियर आई एम विद द सॉल्यूशन। तो हमारा दुपट्टा तकरीबन 2 मीटर का होता है, तो उसके एक एंड के साइड जाना और थोड़ा सा एरिया छोड़ना इस तरीके से, इतना, और यहाँ से पकड़ लेना और फिर जाना दूसरे एंड की साइड, वहाँ से भी थोड़ा सा मटेरियल छोड़ देना इतना इस तरीके से, और फिर इसे ऐसे पकड़ लेना। और अब हम पकड़ेंगे बीच में से, हाँ हाँ यहाँ बीच में से। उप्स, ये छूट गया। इसे फिर से पकड़ लेंगे ऐसे, और अब ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ पकड़ेंगे और इसे पिन अप कर देंगे। वैसे आप दुपट्टे को सरफेस पे रख के करोगे तो आपको मेरी तरह मुंह से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ज़मीन पे रख के दुपट्टे की दोनों एंड की साइड बीच में ले आना और तीनों को पिन अप कर देना। और अब हम इसे ऐसे पहन लेंगे। तो मैंने ये पहन लिया। अब मैं अपने स्कार्फ को और इसे थोड़ा सा सेट कर दूंगी। तो ये पहनने से अगर हमारा बुरखा टाइट है तो ये हमारी बॉडी को अच्छा खासा कवरेज देगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने टाइट बुरखा पहना है। और एक बात, हमारा दुपट्टा जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा प्लीट्स यहाँ पे अच्छे से गिरेगी। ये देखिए, दिख रही है ना बहुत सारी प्लीट। तो ये लुक क्रिएट करने के लिए हमें दुपट्टा ही ज़रूरी नहीं है, हम 1.5 से 2 मीटर का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जिसका विड्थ ज़्यादा हो। 40 या उससे ज़्यादा का पन्ना लेना। और अगर आपको जानना है कि ये हिजाब स्टाइल मैंने कैसे बांधा है, सो आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, सो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन टू। अल्लाह हाफिज़।